वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों हम लोगों ने एसएससी केएन प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 106 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 107 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 107 नंबर प्रश्न। दोस्तों आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 107 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक के कई से 2,181.02 रुपया का भुगतान करता हो तो थोक व्यापारी का लागत क्या था। तो थोक व्यापारी का लागत नहीं पता है तो एक समान लेंगे, ठीक है। जैसा ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे भी बहुत बार कर चुके हैं। 33% लाभ पर बेच रहा है तो 133% हटाएंगे तो 100, और फिर कहता है कि 20% की हानि पे तो 80/100, और लास्ट में आखिर हो कितना जाता है 21.82। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब काट लीजिए, 8 से इसको देखिए काट के कटता है कि नहीं कटता है। 8 दुना 16 होगा, 5 और 8 58, 8 7 56, 2 1 फिर हो जाएगा, 8 दुना 16 5 और 2 52 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कटता, ठीक है। तो 133 से काट के देखिए, 133 से इसको काटेंगे तो 133 से कम 133 होगा, ठीक है। देखिए इसको काटना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्या है कि बिना काटे हुए आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, थोड़ा फ्रेश से अब लिख लेते हैं। 21 81 2 बट्टा में आ जाएगा 133 गुना में 8 इंटू में 100 है तो 100, ठीक है, ये 100 आ जाएगा गुना में। अगर इसी को काटना है तो पहले 2 से काट लेते हैं, ये 4 बार में इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 9 18 0 6 2 12, ठीक है, 10 9 6 हो जाएगा। फिर यदि हम लोग काटेंगे 3 3 3 6 1 7 नहीं, 4 से ये कटेगा क्या, 4 2 8 2 9 7 6 28, 4 2 8 2 6 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा 25 टाइम में 25 चौका 100, ठीक है। लेकिन 133 से ये 196 133 से 109 06 आपका पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन कितना बार में कटेगा ये देखना है, ठीक है। तो कितना बार में लगाएंगे, 7 बार में लगा कर देखते हैं, 14 7 98 7 बार में, 7 3 21 7 3 21 और 2 23 7 1 7 और 2 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 2 23, तो ये 8 बार में भी लग जाएगा इतना चाहिए, ठीक है। तो 8 3 24 के 4 हो जाएगा, 8 3 24 2 26 के 6, 8 1 8 और 2 10, ठीक है, 10 64, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ठीक है, ये हो जाएगा 7, 8 में से 6 हो जाएगा 2, ये कट गया ऊपर से 6, यानी कि यहाँ 2 बार में, ठीक है, 3 दुना 6 3 दुना 6 2 1 2, ये कट गया, यानी कि कितना बार में कटा, 82 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25 दुना 50 25 8 200 और 50 के 5 205 हो जाएगा, यानी कि 20 25, देखिए ऑप्शन में 20 50 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो गुना तो इतना आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। 108 देखिए क्या कहता है। एक चावल व्यापारी 3600 रुपये में 8 क्विंटल चावल खरीदता है, 10% चावल परिवहन में खराब गुम हो जाता है और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो हमको क्या कहा है कि 3600 रुपये में 8 क्विंटल चावल खरीदा, ठीक है, 8 क्विंटल चावल 3600 में खरीदा, जिसमें से 10% चावल जो है परिवहन में गुम हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, तो 10% खराब जाता है तो 90% बचा होगा, यानी कि 8 क्विंटल का 90% निकाल लेंगे कि कितना चावल अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 0 से 1 0 9 8 72, यानी कि 7.2 क्विंटल है, तो क्विंटल, ठीक है, क्विंटल अभी भी चावल बचा हुआ है, ठीक है।
अब इसको कहते हैं ना, जितना चावल बचा है उसको 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 15% लाभ पर यानी कि कितना कितना पे बेचेगा, 15% लाभ यानी कि 115 पे बेचेगा, ठीक है। कितना में खरीदा था, 3600 का 115% हटाएंगे तो 100, यानी कि कितना में बेचेगा ये हमको पता चल जाएगा, कितना रुपया मतलब विक्रय मूल्य एसपी हमको पता यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 36 को 15 से 115 से गुना करेंगे ना, तो आ जाएगा 6 × 5 = 30 के जीरो, यानी कि हमारे यहाँ से 4 × 1 = 14 = 4140 आना चाहिए, ठीक है। तो आ जाएगा 4140। अब 4140 रुपया में कितना क्विंटल बेचना है, 7.2 क्विंटल। तो एक क्विंटल का दाम हमको पता चल जाएगा कि चावल बेचना चाहिए, ठीक है, मतलब एक कितने दर पर चावल बेचना चाहिए ये हमको पता चल जाएगा कि कैसे क्विंटल। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो, ठीक है। 12 × 6 = 72, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 5 × 4 12 × 4 = 48, 6 × 0 = 12 × 5 = 60 पर एक जीरो। फिर इसको 6 से काटेंगे तो कितना बार में, 6 × 5 = 30, 4 × 5 = 7 × 6 = 42, 3 × 0 = 6 = 35, 575 रुपये प्रति कुंटल। देखिए ऑप्शन में 575 है क्या, तीन नंबर। आगे बढ़ते हैं, 109। एक चावल व्यापारी 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है, 20% चावल परिवहन में गुम हो जाता है, तो अभी भी 80% उसके पास चावल होगा, ठीक है। तो 80 कितना, 16 क्विंटल का 80% निकालेंगे, अभी भी उसके पास कितना चावल बचा हुआ है ये पता चल जाएगा, ठीक है। 10 से 10, 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 14, 14 ठीक है। 8 × 6 = 48 = 8 हासिल, 4 × 8 = 12, 128, ठीक है। एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 12.8 क्विंटल, ठीक है, क्विंटल अभी केजी उसको मतलब कि क्विंटल में इतना क्विंटल अभी चावल उसको बचा हुआ है, ठीक है। कहता है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 5632 का 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 125/100, तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, ठीक है, कि कितना में वो सेल करेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 100 = 25, 25 × 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 4 = 16, 0 × 8 = 32, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 8 × 5 = 40, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 2 = 70, 40 रुपया में, ठीक है। यानी कितना में बेचेगा, 70 = 40 रुपया में बेचेगा, और बेचेगा कितना, तो 12.8 क्विंटल। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो, ठीक है। इसको काटेंगे कितना से, 6 × 12 कितना से काटेंगे, 8 से काट सकते हैं, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 48, इसको 8 से काटेंगे तो 8 × 8 = 64, 6 × 4 = 8 × 8 = 64 पर 00, 16 से इसको काटेंगे, 16 × 5 = 80, 8 × 0 = 16 × 5 = 80 पर एक जीरो, यानी कि 550 रुपये प्रति कुंटल बेचना होगा। देखिए ऑप्शन में दो नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 110। देखिए, एक दुकानदार को 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है, कोट का लागत कितना है, 5% का लाभ हुआ तो 105% = 630, और 100% हमसे पूछा है मतलब लागत, तो x 630 × 100/105, ठीक है। 20 × 5 = 100, 21 × 5 = 105, 21 × 3 = 63 पर एक जीरो, 30 × 20 कितना हो जाएगा, 600, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 111। देखिए क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने 75 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। पहले 10% हानि पे बेचा, 20% लाभ पर बेचेगा, हानि लाभ है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 30% = कितना रुपया, 75 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य 100% निकाल दीजिए, 100% = x, 75 × 100/30, 10 से 10, 3 से ये कटेगा, 25 × 3 = 75, तो 25 × 10 कितना हो जाएगा, 250 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, 112। कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 किलोग्राम आम 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, और कुछ घटिया किस्म के 200 किलोग्राम 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, और सब आम को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, उस फल विक्रेता को लाभ या हानि जो हो भी हो उसको बताना है, लाभ प्रतिशत ही बताना है, ठीक है। तो एक बार खरीदा 100 किलोग्राम 45 वाला, ठीक है, 100 किलो खरीदा 45 रुपये वाला, फिर 200 किलोग्राम खरीदा 40 वाला, ठीक है, 100 किलो खरीदा 45 वाला और 2 किलो, देखिए यहाँ पे देखिए
कि 100 रुपया में 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि और सभी आम को 45 रुपये जितना में खरीदा उतना ही में बेचे, तो इसमें तो कुछ उसको प्रॉफिट नहीं होगा। 100 किलो वाला में 45 किलो जो आम खरीदा और 45 रुपये बेचा, तो इसमें तो कुछ उसको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट किस में होगा, ये जो 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और बचे 45 की दर से बेचा, मतलब कि 40 वाला सामान 45 में बेचा, यानी कि CPU उसका था 40 और SPU उसका कितना रहा 45, ठीक है। मतलब क्या कि 40 का सामान हुआ 45 में बेच रहा था, कितना का प्रॉफिट, 5 का, कितना पे 40 पे और गुना 100, 1 0 से 1 0, 5 चौका 20 बट्टा में 4, सॉरी 10 5 50 नहीं हो जाएगा, 10 5 50 बट्टा में 4, यानी कि 12.5%, ठीक है। सो राइट आंसर होना चाहिए 12.5, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 113 देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपया में 15 आम खरीदता है, 1 रुपया में उसको कितने आम बेचने चाहिए कि 25% की हानि हो। देखिए 1 रुपया में, देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1 रुपया में 15 आम खरीदा, ठीक है, पैसा को ऊपर लिखेंगे, और 1 रुपया में उसे कितने आम बेचे ताकि उसको 25% की हानि हो जाए, यानी कि 75% पे बेचेगा, तो 1 रुपया में कितने आम बेचेगा, 1 आम बेचेगा। क्रॉस गुना कीजिए तो 100 * में 1/x बराबर 1/15 गुना में 75, 15 5 75, 5 से ये 20, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 20 गो, तो 1 रुपया में कितना आम बेचेगा 20 गो, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 1140, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है, यानी कि 95 में बेचा होगा पंखा, पंखा बेचा कितना 1900 में, कहता है कि बेचना जिससे 20% का लाभ होता है, 120% निकाल दीजिए बराबर एक्स, तो 1900 गुना में 120 बट्टा में 95, 19 से 100 बार में 19 5 95, 5 से 24 बार में, तो 24 गुना में 100 कितना हो जाएगा 2400, देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 115 देखिए क्या कहता है, 310 रुपया में एक वस्तु के बेचने पर लाभ 230 रुपये में उसी वस्तु के बेचने पर हानि के बराबर है, हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 रुपया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2, तो CP निकल जाएगा, ठीक है, तो CP कितना हो जाएगा 310 + 230 बट्टा में 2, तो कितना आ जाएगा 0 3 1 4 3 2 5 बट्टा में 2 2 से ये 27, 270, यानी कि CP कितना आ गया 270 रुपया, और बेच रहा है कितना है SP जो है 180 रुपया, तो हानि ही होगा, 270 का सामान 180 में बेचिएगा तो हानि ही होगा, ठीक है। तो हानि कितना का हो रहा है, देखिए दोस्तों ये जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2 मैंने पिछली बार की वीडियो में बताया था, तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपका ये सब मतलब क्या बोले कि आपको बहुत प्रॉब्लम आगे चलकर फेस करनी पड़ेगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि हर एक प्रश्न जो होता है जिसमें भी फॉर्मूला होता है रूल होता है मैं बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो 270 का सामान 180 में बिक रहा है, तो कितना का लॉस हो रहा है 20 70, 90 का लॉस हो रहा है, कितना पे 270 पे गुना 100, 9 3 27, 3 से 100 बटा 3, यानी कि 33 पूर्णांक 1/3% का क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। सो देख लीजिए 33 पूर्णांक 1/3%, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 116 देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में उसको कितने कलम बेचने होंगे, तो 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है, 100% का वैल्यू है, 1 रुपया में 9 गो कलम और 50% लाभ प्राप्त करना है, तो 150% 1 रुपया में कै गो बेचेगा, एक्स बेचेगा। क्रॉस गुना कीजिए तो 100 * में 1/x बराबर 150 * में 1/9, 50 * 100 और 50 * 150, 3 * 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 * 2 = 6 गो, यानी कि 1 रुपये में कै गो बेचना चाहिए 6 गो कलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 117 देखिए क्या कहता है, यदि एक वस्तु पर क्रय मूल्य 210 रुपये का लाभ हो, उसी क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि हो, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता हो, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि पहले जो था ना कि 100 रुपये का कोई सामान था, ठीक है, और उसको 210% लाभ पर बेचा गया, यानी कि SP कितना हो जाएगा, देखिए CP अभी था 100 रुपया और 210% लाभ है, प्रॉफिट है 210%, तो SP कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा ना, तब ने इसको घटाइएगा तो प्रॉफिट आएगा 210 रुपया का, ठीक है। अब कहता क्या है कि क्रय मूल्य में 40 की वृद्धि कर दें, अब नया जो CP हो जाएगा, 100 में 40 की वृद्धि हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, ठीक है। कहता है विक्रय मूल्य स्थिर रहे, विक्रय मूल्य 310 का 310 ही रहे, ठीक है,
विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं हो तो लाख का विक्रय मूल्य से कितना लगभग प्रतिशत होगा सो बताना है। तो अब देखिए 140 का सामान 310 में बिकेगा तो लाख कितना आएगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा लाख, 40 में से 310 घटाएंगे ना, तो पहले 210 का लाभ होता था, अब उसमें 40 घट जाएगा तो कितना का लाभ होगा, 70 का, 170 का, ठीक है, 170 का लाभ। अब कहता है कि किस पे विक्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य का लगभग, तो विक्रय मूल्य कितना है 310, प्रतिशत में बताना है तो 100, ये क्या होगा प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, 10 से 10 यानी कि 1700 बट्टा में 31%। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा ये लगभग में पूछा है तो इसको लगभग में बनाना होगा, तो यानी कि 17 से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 × 2 = 34 और 2 से ये 50 वर्ग, यानी कि 50 के अप्रोक्स में आपका आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है 55%, ठीक है, जब इसको आप पॉइंट में तोड़िएगा ना तो आएगा 55% के अप्रोक्स। आगे बढ़ते हैं 118। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता और 24 रुपये कम में बेचता तो उसको 20% की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो पहले सीपी मान लेते हैं कि 100 रहा होगा और कहता है कि 20% लाभ पर बेचा तो एसपी कितना हो जाएगा 120। अब आगे क्या कहता है कि यदि वह 40% अधिक पे खरीदता, मतलब कितना 140 पे खरीदता, 40 अधिक, मतलब सीपी 100 था लेकिन अब कहता है कि 40 अधिक पे खरीदता, ठीक है, तो उसको कितना का हानि होता है, 20 का हानि होता है, यानी कि 80 बटा 100, 10 से 10 यानी कि नया जो एसपी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 14 8 कितना आ जाएगा, 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 11। अब देखिए पहले 120 रुपया में बेचता था, अब कितना में बेच रहा है, 112 रुपया में, तो कितनी की कमी आई, 8% की कमी आ गई, और कहता है कितना है कि 24 रुपया कम में बिका, ठीक है, तो आप 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, तो 100% आपको निकालना होगा, 100% बराबर x, 8 का 3 गुना है तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300, ठीक है, दो नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 119 क्या कहता है कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य एक मेज के विक्रय मूल्य से 25 कम है, यानी कि क्या कहता है कि एक मेज का यदि हम लोग मान लेंगे कि 100 रुपया रहा होगा तो कुर्सी कितना का होगा 75 रुपया का होगा, 25% कम यानी कि 75 का होगा, ठीक है, कह रहा है कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25 कम है, मेज के क्रय मूल्य से ये 25 कम है कुर्सी, ठीक है। अब आगे यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, 5 कुर्सी और कुर्सी का दाम कितना है 75, तो 5 गुना में 75 पे बेचता है तो बेचा कितना में, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचता है तो बेचता है कितना में है, सीपी इसका आ जाएगा, ठीक है, 15 × 5 = 75 और 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 और 2 = 37, 375 रुपया में, ठीक है। अब कहता है कि 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, और 7 को मेज, मेज के आगे एसपी कितना हो जाएगा, 7 को मेज, मेज कितना है 100 है, तो यानी कितना में बेचेगा 700 में, यानी कि 700 का सामान अब बेच रहा है कितना में 375 रुपया में, तो प्रेजेंट प्रॉफिट जो होगा कितना का हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा 325 गुना में 100 अब बट्टा में कितना पे 375 पे खरीदा तो था 375 में, ठीक है, इसको यदि काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 25 = 175, 25 × 100, ठीक है, 5 × 20, ठीक है, और सॉरी 25 ये कितना हो जाएगा 115 होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, इसको 5 से काट लेंगे, 6 × 25 = 50, 50 तो 65 × 130 × 30 × देखिए ना 65 × कितना होता है 130, 13 × 26 260 / 3 यानी कितना जाएगा 8 × 3 = 24, 20, फिर 6 × 3 = 18.66 यानी कितना प्रतिशत होगा आपका राइट आंसर, ठीक है, जो कि आपका 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं 120। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो के वाट के स्थान पर 930 देना है, 1000 ग्राम देता है 930 ग्राम, तो कितना का डंटी मार रहा है, देखिए 70 का, कितना पे 930 पे गुना 100, 10 से 10।
यानी कितना हो जाएगा 700/93, ठीक है। इसको अगर भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स, ठीक है। तो 7 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स एक ही ऑप्शन है, दो नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 121। एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है, यदि वह 4 पेंसिल को 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है। अभी जस्ट ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 33.1/3 को तोड़ेंगे ना फ्रैक्शन में, तो कितना जाएगा 33 यानी 99, और 100/3% आएगा, ठीक है। अब कहता है कि क्या करें, कलम का मूल्य यदि 100 रुपया होगा, कलम का मूल्य यदि 100 रुपया होगा तो किसका है, फिर उसके बाद किसका मूल्य, पेंसिल, पेंसिल इससे 33.1/3% कम होगा, यानी कि कम करेंगे तो 200/3 आएगा, इसको घटाइएगा ना 100 में से, तो 100 क्रॉस गुना होगा तो 300 में से 100 जाएगा तो 200/3 बचेगा, ठीक है। अब कहता क्या है कि यदि वह चार पेंसिल यानी कि सीपी हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 200/3 इंटू में 4 गो को, तो कितना हो जाएगा 800/3, ठीक है। अब पता है 5 कलम के क्रय मूल्य पे एसपी कितना हो जाएगा, 5 गो कलम, कलम कितना है 100 गुना में 5 500, ठीक है। अब देखिए 800/3 में खरीदा, यानी कि इसको अगर फ्रैक्शन में कीजिएगा ना तो 200 समथिंग आएगा, और 500 में बेचा तो प्रॉफिट कितना का आएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1500 में से 800 जाएगा तो 700/3 आएगा, ठीक है। प्रॉफिट जो आएगा 700/3 घटा लीजिएगा, ठीक है, आएगा 700/3, हमको यही पूछा है परसेंट प्रॉफिट, तो 700/3 इंटू में 100/ मूलधन, मूलधन कितना, सॉरी सीपी जो होता है क्रय मूल्य, कितना आ जाएगा 800/3, तीन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर डाल देते हैं, 3 से 3 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी कितना बचा 7 गुना में 100/8, 4 दूना यहाँ से 25 चौका 100, ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 सते कितना होता है 25 छक्का 150, 25 सते 175/2, 175/2 को यदि हम लोग लिखेंगे ना तो 85 दूना होता है 190, 170 होता है, 85 दूना 170, यानी कि 87.75 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। सो राइट आंसर, देखिए 87.75 है क्या, 4 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा पन्ना का कमी के कारण, ठीक है, आप प्रॉफिट को लिख सकते हैं 700/3 इंटू में 100/ कितना 800/3, तो 3 ऊपर चला गया, ठीक है, इसको काट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 122। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, सीपी जो है सीपी का 70% एसपी के 40% के बराबर है, तो लाभ या हानि बताना है, 100 से 10, तो सीपी क्या हो जाएगा 4, तो एसपी क्या हो जाएगा 7, 4 का सामान 7 में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा कितना का, 3 का, कितना पे 7 पे गुना 100 सॉरी 4 पे, सीपी तो है 4, 4 से ये 25 बार में, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75% का प्रॉफिट, देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 123। एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 कल में खरीदता है और 1 रुपये में 15 कल में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है, यानी कि उसका 100% का जो वैल्यू दे रखा है, 1 रुपये में 25 कलम खरीदा लेकिन उसने 1 रुपये में 15 कलम बेचा, तो उसको क्या हुआ, अगर 100 से बढ़ेगा तो लाभ होगा, 100 से घटेगा तो हानि होगा, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/25 × x = 100 × 1/15, ठीक है, 5 × 3 = 15, 20 = 25, 100, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 × 25 × 20 कितना हो जाएगा, 25 × 50 = 500/3, ठीक है। इसको यदि अगर हम लोग पॉइंट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 = 3, 3 × 3 = 2, 6 × 18 = 2, 6 × 18 = 20/3, यानी कि कोई भी डाटा होता है 100%, ये कितना अधिक है, 66.2/3% अधिक है, तो कितना का लाभ हुआ, 66.2/3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 124। देखिए क्या कहता है, एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, यदि उस कैलकुलेटर को 3 गुने कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, मान लीजिए कि सीपी रहा होगा 100, तो उसको बेचा है एसपी कितना में, 115 में, तब ना उसको 15% का लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन आप कहता है कि वही 100 का सामान रहे और 3 गुना रेट पे बेचे, यानी कि 115 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 345 रुपये में बेचेगा, 100 का सामान अब बेचेगा 345 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 245 रुपये का,
ठीक है। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 245, चार नंबर। आगे बढ़ते हैं, 125, 540 रुपये में एक वस्तु के बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु का 370 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर। यदि विक्रय मूल्य SP हमको दे रखा है कितना, 910 रुपया, तो CP तो हमको पता है, ये निकालेंगे जितना प्लस उतना डिवाइड बाई टू, तो 0 0 को जोड़ेंगे 0 7 4 11, 5 3 8 1 9 बट्टा में 2, 0 7 4 11, 5 3 8 1 9 बट्टा 2, इसको 2 से काटेंगे तो CP कितना आ जाएगा, 4 2 8 एक, 5 2 10, 5 2 10 मतलब क्या कि 455 का सामान 910 में बिक रहा है, तो लाभ कितना का आ रहा है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 455 ही आएगा, बट्टा में 455 पे गुना 100, 455 से 455 कट गया, यानी कि 100% का उसका लाभ है। देखिए ऑप्शन में चार नंबर। आगे बढ़ते हैं, 126, एक व्यक्ति 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि हुई यानी कि 80 में बेचा, 80 रुपये में क्या वो कलम 90 को, कहता है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 90 कलम को किस विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा, 100 रुपये में वह 90 को कलम बेचेगा। यहाँ पे पैसा को कहाँ रखना है, ऊपर क्रॉस गुना करेंगे, 80 गुना में x बट्टा में 90 बराबर 80 बट्टा में 90 गुना में 120, 10 से 10, 9 से 9, 10 से 10, ठीक है, ये 8 से 8 कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपये में, यानी कि 120 रुपये में 90 को कलम उसको बेचना चाहिए, चार नंबर। आगे बढ़ते हैं, 27, देखिए क्या कहता है, एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केले बेच खरीदता है और 32 रुपये में 5 केले बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है सो बताना है, ठीक है। CP जो है 60 रुपये में 12 को खरीदा, SP जो है 32 रुपये में 5 को बेचा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, तो 60 कितना आ जाएगा 300, और इधर 12 2 24, 12 3 36 और 2 38, यानी कि 300 का सामान कितना में बिक रहा है, 384 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 84 रुपये का, कितना पे 300 पे गुना 100, 2 0 से 2 0, 3 2 6 8 3 24, यानी कितना हो गया प्रॉफिट 28% का, देखिए एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, 128, देखिए क्या कहता है, एक थोक विक्रेता 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक गैजेट बेचता है, जैकेट बेचता है, खुदरा व्यापारी सेम चीज़ है क्या, पूछेगा कि थोक व्यापारी, देखिए थोक व्यापारी का लागत क्या था, तो एक सामान लीजिए 5% लाभ पर बेचा तो 105 बट्टा 100, फिर 10% लाभ पर बेचा तो 110 बट्टा 100, बाद में बेचा कितना 41 58 में, ठीक है, 10 से 10, 11 से इसको काटेंगे, 11 3 33, 7 1 8 5, 85, 11 7 77, 5 3 8 8 11 88, ठीक है, इसको काटेंगे 21 25, यहाँ 20 25, ठीक है, 21 से इसको काटेंगे, 21 से कम 21 9 7 16 21 8 हो जाएगा 168, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 गुना में 10, 200 200 गुना में 8 18, तो 18 गुना 36 पर क्या हो, 0 2 0, यानी कि 3600 रुपये में थोक व्यापारी ने उसको बेचा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 129, एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपये में खरीदता है, बारिश के कारण कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा ये बताना है, ऐसा प्रश्न भी हम लोग पीछे कितना बार किए थे, तो उसने 500 कपास खरीदा, 10% नष्ट हो गया, तो उसके पास अभी भी शेष कितना बचा होगा, 90%, 20 से 20, 9 5 45, 450 kg कपास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि 450 कपास को 10% लाभ अर्जित करना है, ठीक है, तो 9000 रुपया का सामान था पहले खरीदा था और 10% लाभ अर्जित करना है, तो 110 बट्टा में 100, यानी कि टोटल कितना रुपया में उसको बेचना चाहिए, SP पता चल जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 0 कितना जाएगा विक्रय मूल्य, 0 11 99, ठीक है, 99 100 में बिकना चाहिए, ठीक है, तो 99 100 में कितना बेचेगा वो, 450 kg, 450 10 से 10, ठीक है, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 दुना 90, 90 45 दुना 90, यानी कि 22 रुपये प्रति kg, देखिए ऑप्शन में तीन नंबर। आगे बढ़ते हैं, 130, एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल था, उनमें से एक हिस्सा 5% लाभ पर शेष को 11% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसको 7% का मुनाफा होता है, उसने कितना चावल 5% लाभ पर बेचा ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए
चावल का एक हिस्सा 5% लाभ पर बेचा और शेष को 11% लाभ पर बेचा और टोटल पे उसको 7% का मुनाफा हुआ। एलिगेशन बना लीजिए, 7 में से 11 जाएगा तो 4 और यहाँ पे 2, बांटना कितना है 1200 को 4 दो 6 दुना 12 यानी कि एक यूनिट का मान आ गया 200। हमसे क्या पूछा है कि 5% पर, 5% इधर है, क्या यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 गुना में 200 कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर देखिए 800 4 देखिए 131 क्या कहता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपया कम है तथा लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 20% जो लाभ है यही 20% बराबर कितना है 150 रुपया कम है। कम का क्या मतलब है कि लाभ ही ना दिया हुआ है। अगर आपको कहे कि 100 रुपया CP है और 150 रुपया SP है तो इससे ये कितना कम है, 50 कम है, 50 कम है तो यही ना 50 कम है। अगर इसको प्रॉफिट में बता दे कि 20% प्रॉफिट है और कम कितना है 50, तो वही ना है 20% लाभ है और 150 रुपया कम है क्रय मूल्य से, तो CP से 150 रुपया कम है ये बात बोल रहा था। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल लेकर बताया हूँ, तो यही 20% का वैल्यू आपको 150 दे रखा है। विक्रय मूल्य हमसे पूछा है कि कितना होगा, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20% लाभ पर बेचा है तो 120% निकालना होगा बराबर x 150 गुना में 120 बट्टा में 20, 20 छक्का तो 15 छक्का 90 यानी कि 900 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। 132 देखिए क्या कहता है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/11 भाग है तो लाभ प्रतिशत बताना है। 1/11 भाग का मतलब क्या है कि एक लाभ है तो ये क्या हो जाएगा SP विक्रय मूल्य, ठीक है, नीचे वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा तो CP कितना हो जाएगा 10 में 11 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि CP कितना हो गया 10। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, एक गुना में 100 बट्टा में क्रय मूल्य कितना आ गया 10, 10 से 10 यानी कि 10%। देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर आगे बढ़ते हैं। 133 एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है 1500 में बेचा गया है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इसका आप कमेंट करके बताइए आंसर कितना आएगा, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं और कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। 134 देखिए क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 230% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता हो तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 230% लाभ है, CP यदि 100 होगा तो SP कितना हो जाएगा 230 लाभ है यानी कि कितना हो जाएगा 330 रुपया होगा, तब ना इसका अंतर होगा जो कि प्रॉफिट हो जाएगा 230 रुपया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 330 रुपया। कहता है क्रय मूल्य 50% की वृद्धि हो जाए तो CP जो अब नया हो जाएगा 50 की वृद्धि तो 150 हो जाएगा, और कहता है कि विक्रय मूल्य स्थिर रहे जस का तस रहे तो अब लाभ कितना का आ रहा है, देखिए कितना का आएगा घटाइएगा तो कितना आएगा 230 में से आप 50 घटा दीजिए तो 180 का आएगा बट्टा में कितना 150 गुना 100 10 से 10 5 3 15 5 × 10 3 6 18 तो 60 × कितना आ जाएगा 120%, तो अभी भी लाभ कितना है 120%। 3 नंबर आगे बढ़ते हैं। 135 एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है, यदि बेचते समय उस वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए कि एक व्यापारी जो है 2 वस्तुओं को 4000 रुपये में बेचता है, ठीक है, एक वस्तु को बेचता है 12.5% पर, दूसरे को 20% की हानि पर, संपूर्ण पर हानि प्रतिशत हमको क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो एक वस्तु को खरीदा 12.5% के लाभ पर तो 4000 का हम लोग निकालेंगे 12.5% यानी कि 12.5% हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 20, 3 0 से 3 0 यानी कि 100 × 4 = 25 × 100 यानी कि 500 में एक वस्तु पर लाभ जो है 500 रुपया है, और दूसरी वस्तु को भी 4000 में खरीदा, उसको 20% की हानि पर बेचा होगा तो इसको 80 में बेचा होगा बट्टा में 100 यानी कि यहाँ कितना का लाभ लॉस हुआ 8 × 32 20 से 20 20% का लॉस है ना, तो डायरेक्ट हम 20 से ना निकालेंगे सॉरी, ठीक है, तो कितना जाएगा 20 से 20 4 × 8 ठीक है, 4 × 8 पर 20 यानी कि 800 रुपया में यहाँ पर, या उसको यहाँ पे 500 लाभ हुआ, यहाँ 800 हानि हुआ। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि
लाभ जो अगले सॉरी हानि जो हुआ वो बताना है, ठीक है। तो हानि कितना का हुआ, देखिए इसको घटाएंगे तो कितना का हानि होगा, 300 रुपया का हानि होगा। खरीदा था टोटल वस्तु कितना में, 4000, 4000 मिलाकर दो वस्तु खरीदा था यानी कि 8000 में खरीदा था, ठीक है, और गुना 100, ठीक है, 20 से 20, 10 से 10 यानी कि 30/8 को कितना लिख सकते हैं, 8 3 24.6086, फिर 4 0 8 5 40, 3.75% दो नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 136। एक वस्तु 169 69 69 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाता है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कहता है कि 100 रुपया का सामान था और उसको 169 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाया, यानी कि 169 रुपये में बेचा तो 30% का लाभ कमाया, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि 130% बराबर 169 रुपया, ठीक है। अब बताया कि 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना विक्रय मूल्य करना होगा, तो 40% लाभ यानी कि 140 पहले निकाल लेते हैं, एक्स एक से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 इंटू में 140 बाई में 130, 10 से 10 13 एकम 13, 3 13 39, तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 एकम 13 और 5 13 और 5 18, 182 रुपया, यानी कि देखिए कितना इजाफा करना पड़ा हमको प्रतिशत में बताना, ठीक है। पहले 169 था, अब 182 करना पड़ा, तो कितना का बढ़ोतरी होगा, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 10 और 2 12 और 1 13, 13 का इजाफा करना पड़ा, ठीक है। लेकिन कितना पे, देखिए 169 था पहले और गुना में 100, ठीक है, 13 से इसको काटेंगे, 13 एकम 13 13 39, 100/13 को क्या लिख सकते हैं, 7 पूर्णा पॉइंट, 13 7 91, फिर 9 0 13 6 78, फिर 13 9 इतना ही के आसपास आएगा, 7.69 7.69, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 137। किसी विशेष वस्तु का लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ा दी जाए तो नया लाभ क्या होगा। पहले 100 रुपया का सामान था और लाभ था 150 रुपया, 150% तो बिकता होगा कितना में, 250 में, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, ठीक है। अब कहता है कि लागत 25% बढ़ा देगा, अब नया सीपी जो हो जाएगा 125 और एसपी जो है वही रहेगा, तो अब कितना का लाभ होगा, देखिए घटाइएगा तो घटाएंगे तो कितना का आएगा, 125 कितना पे, 125 पे गुना 100 यानी कि टोटल 100% का लाभ होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 4 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 138। एक वस्तु का क्रय मूल्य 230% लाभ है, यदि 50%, देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे भी किए हैं तो ये कर लीजिएगा, सेम टू सेम है, ठीक है, और नहीं तो अभी जस्ट जो ये प्रश्न किए हैं यही प्रश्न है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और मैं आपको बता दूँ तो आपका 134 नंबर ये सेम टू सेम है, 134 का ये सेम है, ठीक है। तो देखते हैं अगला 139। एक व्यक्ति 21 रुपये में एक किताब बेचता है तथा हानि का जो प्रतिशत प्राप्त होता है वह संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, किताब का क्रय मूल्य कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति 21 रुपये में किताब को बेचता है जो कि हानि का प्रतिशत, तब मैंने एक सूत्र बताया था सीपी निकालने का, ठीक है, कि 10√x, अगर लाभ होगा तो प्लस में लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस में, तो हानि था तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है, फिर माइनस करेंगे कितना, सॉरी -25, फिर -50, ये एक सूत्र लिखवाए थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अगर न याद है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी पे आपको पुट कीजिएगा, आपका सीपी निकल के आ जाएगा, तो 10 है तो 10√x, एक्स का वैल्यू कितना है 21 रुपया, तो 21 माइनस में 25 और माइनस में 50, 10, 21 में से 25 जाएगा तो 4 आएगा, 4 का रूट निकलेगा 2 यानी कि 2 और माइनस में 50, यहाँ पे माइनस में आएगा 2, ठीक है, 10 2 20, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 20 और माइनस में 50, ठीक है, तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 30, यानी कि माइनस में आया 30 रुपया, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, या तो 30 रुपया होगा, ठीक है, आपका दो आंसर इसमें बन सकता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें बनेगा, ठीक है, एक तो 30 भी आ सकता है और दूसरा क्या हो जाएगा 70 रुपया भी होगा, ठीक है।
तो देख लीजिए, इसमें दो ऑप्शन अगर होगा तो दोनों के दोनों होंगे। देखिए 3 नंबर ऑप्शन 30 और 70 दोनों के दोनों ही होंगे, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने पे आपको 100 पूरेगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका अगर 30 रहता तो डायरेक्ट आप 30 मारते, या फिर एक 70 होता तो डायरेक्ट आप 70 मारते, लेकिन जब ऑप्शन में दोनों दे दिया है तो आपको दोनों टिक करने होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 140, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। अब देखिए कि दूध पहले 60 रुपये प्रति लीटर था, अब 70 रुपये प्रति लीटर हो गया, तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। अब इसी को घटाना है तो घटाएगा कितना पे, बढ़ा हुआ मूल्य पे, यानी कि 70 जो बढ़ गया गुना 100, 100 से 1 0, यानी कि 100 बट्टा में 7, तो कितना हो जाएगा, 100 बट्टा में 7 करेंगे तो 1497, 2 0 7 2 14, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं 141, एक वस्तु का 50% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य दुगुना हो जाता है, विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु का 50% लाभ पर बेचा जाता है, पहले 100 रुपया का सामान था, 50% लाभ लेकर यानी कि 150 में बेचा जाता है। अब कहता है क्रय मूल्य दुगुना हो गया, क्रय मूल्य पहले 100 था अब दुगुना हो गया यानी कि 200 हो गया। कहता है विक्रय मूल्य आधा हो गया, 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 200 का सामान 75 में बिकेगा तो हानि ही होगा, कितना का हानि होगा, 125 का, कितना पे, 200 पे गुना 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 125 बट्टा में 2, तो कितना का हानि हो जाएगा, 6 दुना 12, 2 दुना 4, 62 पूर्णांक 1 बट्टा 2, या फिर 62.5%। तो देखिए 62.5% की हानि। आगे बढ़ते हैं, देखिए 142 क्या कहता है कि एक कलम को 105 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी कि 70% पे वो कलम बिका होगा जो कि 105 रुपया दाम है। हमसे पूछा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, तो 100 रुपया में बेचना होगा, 105 गुना में 130 बट्टा में 70, 1 0 से 1 0, 7 एकम 7, 7 5 35, तो कितना हो जाएगा, 15 3 45, 15 एकम 15 और 4 19, 195 रुपया 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 143 क्या कहता है कि 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। तो देखिए कि 100% का जो वैल्यू है आपको दे रखा है कि 60 रुपये में 64 सेब बेचता है, तो कहता है कि 40% की हानि यानी कि 60% में उसको 36 रुपये में एक्स सेब बेचेगा, एक्स का वैल्यू निकालिए जितना आएगा उतना सेब वो बेचेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 गुना में 36 बट्टा में x बराबर 60 बट्टा में 64 गुना में 60, ठीक है। अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 6 1 36 से ये 36 भी कट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 64, यानी कि 36 रुपये में कई को बेचेगा, 64 वो बेचेगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में कहीं भी 64 नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक है। तो मिस्टेक यहाँ हो रहा है, देख लीजिए प्रश्न में कि यहाँ कहता है 25% का लाभ होता है, तो हमने क्या निकाला, सिर्फ 100% लिखा, यहाँ क्या लिखना होगा, 125, ठीक है। तो इसको अब नया से करेंगे कैलकुलेशन, 125 × 36 / x = 60 × 60 / 64, ठीक है। अब इसको आपको काटना होगा, 12 5 60, 25 5 125, फिर 12 5 60, 5 25, 12 3 36, 3 से इसको काटेंगे 3 4 12, 3 से इसको काटेंगे 16 4 64, तो 100 बराबर कितना गया, 16 गुना में 5, 16 5 कितना हो जाएगा, 80 को, तो कितना सेब बेचेगा, 80 सेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 144, कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है तथा लाभ 15% हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये 15% का वैल्यू आपको दे रखा है 60 रुपया, तो 100% निकाल दीजिए, 15 का 4 गुना है तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 400। आगे बढ़ते हैं 145, देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया है, लाभ प्रतिशत 20 रुपया है, 20% है तो क्रय मूल्य कितना है। हमको सीपी दे रखा है तो 20% लाभ है, तो 120% बराबर कितना दे रखा है, 144 रुपया, 100% बराबर कितना हो जाएगा, एक्स 144 × 100 / 120, 1 0 से 1 0 12 का 12, 12 × 10 120 रुपया, तो सीपी कितना हो जाएगा, 120 रुपया, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 146,
कि एक वस्तु के 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 700, यहाँ हानि है यहाँ लाभ है तो जुड़ेगा 11 7 18% = 720। तो हमसे 100% पूछा है, 100% = कितना जाएगा, 18 6 18 6 72 होता है 40 गुना है, तो 100 का 40 गुना कितना आ जाएगा, 4000 रुपया। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 147। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर यदि 225 रुपये के और अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता, यहाँ भी लाभ है और यहाँ लाभ है तो लाभ लाभ है तो घटेगा, तो 25 में से 10 घटेगा तो 15%, और 15% का वैल्यू 225, 100% हमसे पूछा है तो 15 का 15 गुना 100 का 15 गुना कितना हो जाएगा, 1500। आगे बढ़ते हैं 148। 264 रुपये में एक सामान को बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, ठीक है, तो 4% की हानि होती है तो उसने कितना पे बेचा होगा, 96 रुपये में बेचा होगा, बेचा कितना में, 264 रुपये में, ठीक है। कहता है कि 12% लाभ को प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा, तो 112% = 100 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 264 * 112 / 96, ठीक है, 12 8 96, 12 2 24 12 2 24, ठीक है, 8 से काटेंगे 8 * 8 8 * 4 = 32, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 2 28 14 2 28 और 2 30, 308 रुपया में बेचना चाहिए, जो कि 2 नंबर है। आगे बढ़ते हैं 149। एक खनिज किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है, व्यापारी उसको, सीधी सी बात है कि 100 रुपया दाम था, 40% के लाभ पर बेचा तो 140 बटा 100, फिर 25% के लाभ पर बेचा तो 125 बटा 100, और इस हीरा को खरीदने के लिए 56 लाख रुपये का भुगतान किया गया, तो बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 56 लाख, ठीक है। आगे देखिए तो लाखों में कितना हुआ, तो इसको काट लीजिए, जो आएगा सो लाखों में होगा, ठीक है, 0 यहाँ बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 0 से 1 0, 14 4 56, 25 25 25 4 5 2 ना, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 2 8 8 8 8 4 32 लाख, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 150। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, इसके एक भाग को 20% लाभ पर बाकी को 12% लाभ पर बेचता है, कुल उसे 17% का लाभ होता है, एक को 20% पे दूसरे को 12% पे उसको टोटल लाभ होता है 17%। इस प्रकार एलिगेशन बनाएंगे, 12 में से 17 जाएगा 5, यहाँ 3, बांटना कितना है 1600 को 5 और 3 8 8 2 16, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 200, ठीक है। पूछा है 20% लाभ पर, तो 5 यूनिट है तो 5 गुना में 200 यानी कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं 151। एक विक्रेता तार बेचता है और क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य पर लाभ कितना हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपया रहा होगा तो 60% लाभ का यानी कि 160 में बेचा होगा। अब कहता है कि वो जो है ना 60% का जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना है 160 रुपया * 100, 1 0 से 1 0, 3 2 6 8 16 4 2 8 25 = 100, तो 25 कितना हो जाएगा 75 / 2 यानी कि 37.5%, देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 152। देखिए क्या कहता है कि एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 495 रुपया, यदि लाभ प्रतिशत 40% है तो लाभ का मान कितना है, मतलब कि रुपया में कितना है, ठीक है, तो 100% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 495 रुपया, आपको 40% लाभ जो हुआ तो वो 40% लाभ का वैल्यू पूछा है, यानी कि x 495 * 40 / 100, 1 0 से 1 0, ठीक है, इसको काटेंगे तो 9 5 45 4 5, 9 5 45 5 2 10 2 2 4, तो 1999 कितना आ जाएगा 198 रुपया, तो लाभ कितना है 198 रुपया। आगे बढ़ते हैं 153। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपया, यदि लाभ प्रतिशत 17% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए 17% जो लाभ है यानी कि 17% जो लाभ है और उसके बीच का अंतर जो दे रखा है ये लाभ ही दे रखा है 221 रुपया, ठीक है, तो 17% का वैल्यू है 221 रुपया। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो 117% हो जाएगा क्योंकि 17% लाभ है तो ऐड हो जाएगा 100 में, तो बराबर x 17 * 17 = 5 17 * 51 यानी कि ये 13 गुना है, तो इसका 13 गुना कितना जाएगा 117 * 13 कीजिए कितना हो जाएगा 13 सते
1391 के एक लास्ट डिजिट एक होना चाहिए, देखिए किसमें एक है जो कि एक ही ऑप्शन है, तीन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1154, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया, यदि लाभ प्रतिशत 32% हो तो लाभ का मान कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है यानी कि 100% का वैल्यू दे रखा है, कितना 360 रुपया। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है 32, तो 32 का मान पूछा है, ठीक है। क्रॉस गुना कीजिए, 360 गुना में 32 बट्टा में 100, अब गुना कर लीजिए, 6 × 12, 3 × 6 = 18, 18 × 6 = 24, और 1 × 25 = 5, 3 × 9 = 2 = 11, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि 115.23 नंबर। आगे बढ़ते हैं 155, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपया है, लाभ प्रतिशत 29% है, तो पंखे का क्रय मूल्य, अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है 4644 रुपया, यहाँ लाभ प्रतिशत दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 129% हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना है 4644। हमसे पूछा है 100% का वैल्यू, 100% बराबर एक्स, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4644 गुना में 100 बट्टा में 129, ठीक है। अब देखिए कि ये कितना बार है, 5 से काटिए तो 9 × 5 = 45, नहीं 5 से नहीं कटेगा, 9 × 6 = 54, 6 से ये कट जाना चाहिए, या फिर 8 × 9 = 72, नहीं 9 × 9 = 81, ये कटेगा इससे कितना बार में, 36 बार में, क्योंकि 6 × 9 = 54 होता है लास्ट डिजिट 4, यानी कि 36 बार में कटेगा, 36 गुना में 100 कितना हो जाएगा 3600, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो कुछ चीज़ आप ब्रेन से भी कीजिएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है, नहीं तो परीक्षा में काटते रह जाइएगा। आगे बढ़ते हैं 156, एक वस्तु को 7130 रुपये में बेची जाती है जिसे 15% का लाभ होता है, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब 15% का लाभ होता है लेकिन बेचा गया कितना में, 7130 रुपये में, तो 115% का वैल्यू दे रखा है 7130 रुपये, हमसे 100% का वैल्यू पूछा है, 100% बराबर एक्स, एक्स निकालेंगे तो 7130 बट्टा में 100, सॉरी गुना में 100 बट्टा में 115, 23 × 5 = 115, 20 × 5 = 100, ठीक है। अगर 23 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 23 × 3 = 20 कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 60, 69, 23 × 3 = 69, 2 × 1 = 23, 310 गुना में 20, 31 × 2 होता है 62 पर 2 हजार, यानी कि 6200 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 157, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13924 रुपया है तथा लाभ प्रतिशत 18% है, यदि विक्रय मूल्य 10266 रुपया हो तो इसका हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत 18 यानी कि 118% बराबर कितना दे रखा है, 13924 रुपया। अब यहाँ पे हमको नहीं पता है कि उसका हानि कितना है, लेकिन बेच रहा है कितना है, 10266 रुपया। एक्स का वैल्यू यदि 100 से कम आएगा, जितना भी कम आएगा उतना का हानि होगा, ठीक है, तो घटाएंगे तो एक्स बराबर पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10226 गुना में 118 बट्टा में 13924, ठीक है। अब इसको आपको काटना होगा लेकिन मैं इतना नहीं काटूंगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से भाग लगाइएगा, जितना भी आएगा अगर 100 से जितना घटेगा वो घटा लीजिएगा, उतना प्रतिशत का आपका हानि हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। या फिर इतना नहीं कर सकते हैं आप तो क्या करिए, देखिए पहले बेच रहा था इतना में, अब बेच रहा है इतना में, तो कितना कम गया, देखिए हानि प्रतिशत, ये दूसरा तरीका, ये रूल टू, ये रूल वन कर लीजिए, ठीक है। यदि इसको भी काट कुट कीजिएगा तो जो आएगा उसमें 100 में से घटा लीजिएगा, ठीक है। अब पहले बेच रहा था 13924 में, अब बेच रहा है 10266 में, तो कितना कम में बेच रहा है, अंतर कीजिएगा ना, तो 1500 आएगा कितना, 10 × 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 तो 8 × 6 = 14, यानी कि कितना जाएगा, सबसे पहले हमको 100% का वैल्यू निकालना होगा रूल टू में, ठीक है। विदाउट 100% का वैल्यू निकाले हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जोड़ घटाव कीजिएगा, ना आएगा आंसर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हमने काटा कि 118 से ये 118 बार में कट जाएगा, ठीक है, 118 से ये 118 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे ना तो ये कितना बार में कटेगा, लास्ट डिजिट 6 है तो कितना, 8 × 7 = 56, 7, यानी कि 87 बार में जब इसको गुना कीजिएगा 118 को 87 से, तो ये आपको 87 बार में कटेगा, ठीक है, यानी कि विकास कितना में, 87% में। तो कोई भी डाटा होता है 100%, 100 से हो गया 87, यानी कि कितना कम गया, 13% का हानि हुआ, ठीक है। सो राइट आंसर होना चाहिए 13%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 158, एक वस्तु का क्रय मूल्य
5800 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 100% का वैल्यू आपको दे रखा है 5800 और कहता है कि 33% विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 100 में से घट जाएगा क्योंकि यह हानि में है, तो 33% घटाएंगे तो कितना आएगा, 67 67 67 और 3 70, यानी कि 67% का वैल्यू निकालना होगा। तो 5800 × 67 × 100 2 0 से 2 0 यानी कि 8 7 56 के 6 लास्ट में 6 होना चाहिए, देखिए कहाँ है लास्ट में 6, एक ही ऑप्शन आपको लास्ट में 6 दिख रहा है, 2986। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 159। यदि एक मैच का मूल्य 25% बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मैच कम खरीद पाता है, एक मैच का वास्तविक मूल्य कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको भी बनाने का मैंने तरीका बताया था, एक आरंभिक मूल्य, ठीक है, और एक बढ़ा हुआ मूल्य। तो देखिए पहले 100 रहा होगा, बढ़कर कितना हो गया 125, ये तो क्या है मैच का मूल्य है, मात्रा में क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसको काट दीजिए 25 चौका 100 25 5, ये 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब कहता है कि 25 मैच कम खरीदता, पहले 5 खरीदता था अब 4 खरीदता है, यानी कि अंतर कितना का 1 का, और कहता है कितना कम खरीदता है 25 मैच कम खरीदता है। मैच का वास्तविक मूल्य मतलब कि पहले वाला मूल्य नहीं, वास्तविक मतलब कि अभी वाला मूल्य बताना है। ठीक है, कि अभी उस मैच का कितना मूल्य है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए अभी जो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 25, तो एक यूनिट का मान 25 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 × 4 यानी कितना हो जाएगा 200, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया 200 रुपया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कितना है, 3 नंबर। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, हमसे पूछा है वास्तविक मतलब कि मूल्य जो था पहले वाला मूल्य आरंभ में कितना था, ये नहीं हमको कहा है, कह रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य, वास्तविक वास्तव में पहले कितना मूल्य था। ठीक है, तो ये सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, पहले कितना था एक यूनिट का मान 25, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना हो गया 5 × 25 25 5 25 5 कितना आ जाएगा 125। ठीक है, 25 5 कितना आ जाएगा 125। ठीक है, यानी कि कितना मैच खरीद रही है 125 मैच खरीद रही है, खरीद कितना में रही है 25,000 में। ठीक है, तो एक मैच का मूल्य बताना है, तो कितना करेंगे 25,000 / 125, 25 5 25 से कम, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1,000, 5 से इसको काटेंगे तो 200 5 1,000, यानी कि एक मैच का मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपया। सो अब आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर नहीं होता। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 160। एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 26% हो तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100% का वैल्यू है 8400 और 26% लाभ है तो 126% = x 8400 × 126/100 2 0 से 2 0 यानी कि 6 चौका 24 लास्ट में 4 आएगा, देखिए किसके लास्ट में 4 है, तो आपको 2 डिजिट के अंदर में 4 है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। ठीक है, तो 108 800 यानी कि कितना 9000 से प्लस में जाएगा, यानी कि ये 10,000 के अप्रोक्सीमेट में हमारे अंदाज से जाएगा, जो कि आपका नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 10,584। ठीक है, देखिए नहीं तो आगे भी गुना कर सकते हैं, 6 चौका 24 के 4 8 6 48 4 2 8 48 8 56 होता है, 48 8 56 और 56 हासिल 2 था, 56 2 58 के 8 हासिल फिर 5 हो जाता। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि 58 84 लास्ट में इसी में मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 161। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 684 रुपया 25 पैसा और 595 रुपया है, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो सीपी कितना है 595, एसपी कितना है 684.25। अब देखिए 695 का सामान बिक रहा है 684 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है घटाइएगा तो कितना आएगा 89.25 आएगा। ठीक है, गुना में 100 अबट्टा में खरीदा था कितना में 900 595 में, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 0 2 0 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग 25 से नहीं काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 5 एकम 5 9 5 45, इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 3 9 7 5 35 4 2 7 8 5 40 2 5 50 25 119 से इसको कितना बार में काट सकते हैं 9 5 45 19 से 15 15 9 105 15 105 के 5 हासिल 10 15 एकम 15 10 25। ठीक है,
यानी कि इसको काटने में कहीं पे दिक्कत हुई है। ठीक है देख लेते हैं। 15 5 1 5 3 9 39 7 5 35 4 2 42 8 5 40 2 5 50 25। ठीक है तो 119 से उसको हम लोग अगर काटेंगे तो कितना बार में काट सकते हैं? देखिए इसको काट लीजिए 17 85 को 119 से, एक बार में लगाते हैं 119। 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये कट गया यानी 5। 19 5 95, 9 5 1 5 4 9 5 1 5 यानी कि ये कट गया 15 बार में, ये कटेगा। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 162, एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 56 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य 156% बराबर x, यदि 100% का वैल्यू दे रखा है 112, 122, तो 122 गुना में 156 बट्टा में 100। ठीक है 6 × 12 = 2, 6 × 12 5 × 10 12 10 22 और 1 23 के 3 हासिल 2, यानी कि लास्ट में 32 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन है लास्ट में 32, 190.32। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 163 देखिए क्या कहता है कि पंकज एक पतलून को 10% की हानि पर बेचते हैं, यदि वह पतलून 20% कम मूल्य पर खरीदा और 9 रुपया अधिक में बेचा होता तो 15, सीधी सी बात है कि पहले 100 रुपया सीपी रहा होगा, 10% हानि पर बेचता है यानी कि 90 पे बेचता है। अब कहता है कि यदि वह 20 में कम में खरीदता तो 80 पे खरीदता और 15% का लाभ होता है तो 115/100। 10 से 10 8 5 40 = 0 8 × 8 = 12 8 × 8 = 9 यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट भी कट गया। अब 90 रुपया का सामान अब 92 रुपया में बिकेगा तो कितना प्रतिशत बढ़ा? 2% का वैल्यू बढ़ा। और कहता है कि 8 रुपया अधिक में बिकता, 9 रुपया अधिक में बिकता। ठीक है तो हमसे पूछा है कि पतलून का क्रय मूल्य, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए बराबर एक्स, 9 × 100/2, 2 से ये 50 बार में तो 9 5 45 450 रुपया। एक नंबर आगे बढ़ते हैं। 164, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर 575 रुपया, लाभ प्रतिशत 23 है तो 23% का वैल्यू जो दे रखा है 575 रुपया दे रखा है। ठीक है अंतर जो दे रखा है सो लाभ ही दे रखा है और लाभ हमको दे रखा है 23%। तो हमसे पूछा है विक्रय मूल्य यानी कि 123% बराबर एक्स, तो 575 गुना में 123/23, 23 × 46 7 4 11 115, 23 5 115, तो 25 गुना में 115, 23 को गुना करेंगे तो 25 3 75 5, 25 × 50 और 7 57, 25 1 25 और 5 30, 30 75 हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 165, यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का 35% हटाएंगे तो 100, 7 5 35 20 25 100 यानी कि सीपी हो जाएगा 7 तो एसपी कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 7 का सामान 20 में बिका तो प्रॉफिट कितना का आएगा? 13 का, कितना पे? 7 पे गुना 100 यानी कितना जाएगा? इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो 7 7 1 7, ठीक है फिर 7 3 3 6, देखिए ना यहाँ पर यह हो जाएगा कितना? 1300 हो जाएगा ना, ये 2 0 से गुना किए तो 7 1 7 4 2 6, 6 0 7 8 7 56, 4 0 7 7 4 0 यानी कि 7 5 35, 5 0 7 7 49, 185.7 देखिए एक नंबर ऑप्शन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 166, एक दुकानदार 46 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है, 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना होगा? 8% नुकसान हुआ तो उसने 82 में बेचा होगा यानी कि 82 यूनिट का मान है 46, 6% लाभ प्राप्त करना है तो 106% बराबर एक्स, 46 का ये 2 गुना है तो 106 का आधा कितना हो जाएगा? 53 रुपया, तो कितना में बेचेगा? 53 रुपया में, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 167, देखिए एक टेलीविजन 8800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है यानी कि 85% में बेचा हुआ टेलीविजन और दाम कितना है? 8500 है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 105% का वैल्यू, 85 का ये 100 गुना है तो 105 का 100 गुना कितना हो जाएगा? 10,500। देखिए ऑप्शन में
तीन नंबर। आगे बढ़ते हैं 168 देखिए क्या कहता है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, यानी कि 100% का वैल्यू है 1 रुपये में 10 वो, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में एक्स टॉफी बेचेगा, तो 100 × 1/x = 1/10 × 125, 25 × 25 = 5×10, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4×2 8 गो, 1 रुपये में कितना बेचेगा 8 गो, तीन नंबर। आगे बढ़ते हैं देखिए 169। 18 गेंद को 900 में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, कहता है कि 18 को जब गेंद को बेचा तो 6 गेंद का हानि हुआ, यानी कि 6 गेंद यानी कि उसका दाम जो हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा 18 में से 6 घटेगा तो 12 गो, यानी कि सीपी हो गया 12 गो, ठीक है। तब ना वो 18 में बेचा है तो 6 गो का उसको हानि हुआ, ठीक है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य यानी कि 900 रुपया दाम है 18 गो, तो 12 गो गेंद का सीपी कितना आ जाएगा, मतलब एक गेंद का निकल जाएगा 12×86, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 6×0 = 12×6 = 50, 60, यानी कि 75 रुपया। तो एक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा 75 रुपया, राइट आंसर, ठीक है। देखिए कहता है ना कि 18 गेंदों को 900 में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब कि 6 गेंद का जो लागत है ना उतना हानि हुआ, तो 18 गेंद बेचा तो 6 को हानि हुआ, यानी कि 18 में से 6 घटा लेंगे तो जो निकलेगा सो हमारा क्या निकल जाएगा सीपी, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा कितना 75 रुपया। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे जो होगा टाइप चेंज हो जाएगा, तो टाइप चेंज जो होगा तो दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।